हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीमा क्रिएटिव आइडियाज़। आज मैं लेकर आई हूँ समर स्पेशल 3 तरह की मिल्क शेक रेसिपी। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही फटाफट बनने वाली रेसिपी है ये। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना बहुत ही इजी तरीके से। शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी पीनट मिल्क शेक। इसके लिए मैंने देखिए मूंगफली को थोड़ा भून के उसका छिलका निकाल लिया है। अब इसको मैंने पीस लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच चीनी। आप लोग चीनी अपने स्वाद के अनुसार डालिए। थोड़ा सा इलायची पाउडर और 1 ग्लास यहाँ पर मैं दूध डाल रही हूँ। दूध को पहले मैंने उबाल के रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। अब इसको हम लोग अच्छे से पीस लेंगे। तो रेडी है हमारी मिल्क शेक, ये पीनट मिल्क शेक। इसको ऊपर से मैं आइस डाल दे रही हूँ। आप लोग चाहे तो साथ में जब पीसते हैं तो आइस उसी में डाल के एक साथ पीस सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट से मैं मैरिनेट कर दे रही हूँ, सजा दे रही हूँ। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो रेडी है हमारा ये मूँगफली का मिल्क शेक। इंजॉय करिए, बहुत पसंद आएगी आपको। सेकंड मैं बनाऊंगी बच्चों की फेवरेट ओरियो बिस्किट और चॉकलेट की मिल्क शेक। इसको मैंने देखिए जो नॉर्मल पैकेट वाला जो डेरी मिल्क आता है वो लिया है और 4 मैंने ओरियो की बिस्किट लिए हैं। अब सारी चीज़ों को हम एक साथ पीस लेंगे। चॉकलेट को ऐसे छोटे छोटे काट लीजिए। इसमें मैं थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ। आपको आपके पास अगर अभी अवेलेबल ना हो तो इसको ना डालें। अब इसको पीस लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 गिलास दूध। तो इसको भी मैंने पीस लिया है साथ में। अब क्या करेंगे, गिलास में ऐसे चॉकलेट से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, चॉकलेट सिरप से। दिखने में भी बहुत अच्छा दिखेगा। अब जो हमने आइस लिया है आइस को डाल देंगे। आइस को आप साथ में पीस भी सकते हैं और ऐसे अलग से डाल के भी बना सकते हैं। अब अपना जो पेस्ट है उसको डाल लेते हैं मिल्क शेक को। रेडी है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। बहुत ही टेस्टी बना है, बच्चों को बहुत पसंद आती है ये वाली मिल्क शेक। ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से सजा दीजिए। तो रेडी है हमारी ओरियो और चॉकलेट की ये चॉकलेट मिल्क शेक। थोड़ा सा मैं चॉकलेट सिरप से ये ऊपर से डेकोरेट कर दे रही हूँ। तो रेडी है हमारी ये ओरियो चॉकलेट की ओरियो बिस्किट और चॉकलेट की मिल्क शेक। इंजॉय करिए, उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगी आप लोगों को भी। थर्ड बनाएंगे हम बादाम का मिल्क शेक। इसके लिए मैंने यहाँ पे 7-8 बादाम लिए हैं और इसको मैं 10 मिनट पहले थोड़ा गर्म पानी में ऐसे डुबा के रख दूंगी। इससे क्या होगा, इसके जो छिलके हैं वो नरम हो जाएंगे और इसे छीलने में आसानी होगी। तो देखिए 10-15 मिनट बाद इसका छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है। आपको अगर ज़्यादा बनाना है तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए इसे भिगो के रख सकते हैं। सारे छिलके हम निकाल लेंगे इसी तरह। अब देखिए क्या करना है, इसको हमें पहले पीसना है। इसमें चीनी डाल दीजिए आपके स्वाद के अनुसार। मैं इसमें 3 चम्मच चीनी का यूज़ कर रही हूँ। आइस डाल देंगे, इलायची पाउडर डाल देंगे और 1 गिलास दूध। अब इन सारी चीज़ों को हम पीस लेते हैं। रेडी है हमारी बादाम की मिल्क शेक।
ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से सजा दीजिए। बच्चों को इसको ज़रूर बना के दीजिए, हेल्दी होने के साथ साथ गर्मी के दिनों में बहुत ही अच्छा लगता है। खासकर अभी त्यौहार आ रहे हैं, फेस्टिवल आ रही, होली आ रही है, होली में आप इसे ठंडाई की तरह बना सकते हैं, सबके लिए सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।